Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंसा की घटना से किसान खुद शर्मिंदा थे। नेताओं की तरह सीना तान कर सही नहीं ठहरा रहे थे और न भाग रहे थे। बार बार कह रहे थे कि हिंसा गलत हुई। अगर किसानों का इरादा हिंसा का होता तो लाखों किसान थे, ज़्यादातर शांति से तय रूट पर गए और लौट गए। जिसने हिंसा की उसे लेकर कोई तरह के सवाल है। क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन इस घटना से जैसे सरकार को उग्र होने का मौका मिल गया। धार्मिक संगठनों को आगे किया गया और फिर से गोली मारने के नारे लगे। किसानों को दमन का भय दिखाया गया। सरकार, गोदी मीडिया और पुलिस प्रशासन अति उग्र हो गए, जबकि सरकार को हिंसा के बाद बात करनी चाहिए कि अभी हालात ठीक नहीं है, आप लोग आप वापस जाएं और फिर बात होगी। लेकिन किसानों को गिद्ध और आतंकवादी कहा जाने लगा। जो लोग दिन रात हिंसा की राजनीति करते हैं वो हिंसा से शर्मिंदा किसानों को उपदेश दे रहे थे, जबकि बात कर माहौल ठंडा करना चाहिए था। मुमकिन था कि किसान लौट भी जाते और जाने भी लग रहे थे, मगर गोदी मीडिया के जरिए लगातार हवा को गर्म किया गया। गोदी मीडिया से आप क्या नहीं करा सकते हैं। ये वो मीडिया है जो किसी को भी हत्यारा साबित कर दे। लोग जाने कब समझेंगे कि इसके कारण सीमा पर अपना बेटा भेजने वाला किसान अपने ही गांव में, अपने ही देश में सफाई दे रहा है कि वो आतंकवादी नहीं है, और गोदी मीडिया के असर मिडिल क्लास चुप रहा। अजीब है, कम से कम गलत को गलत तो कहना चाहिए। बहरहाल अब आगे क्या होगा किसानों को पता है। उनके पास एक चीज है, किसान होने की पहचान। वो खत्म हो गई तो वो धान के समान हो जाएंगे जिसका पूरा दाम नहीं मिलता है। हिंसा की आड़ लेकर किसानों पर हमला नहीं करना चाहिए था। वे खुद कह रहे थे कि जिसने हिंसा की है उससे नाता नहीं और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो गोदी मीडिया ने अति ही कर दिया, शर्मानी चाहिए। खैर, एक बात साफ है कि किसान आंदोलन के नेताओं ने देख लिया कि हिंसा की ये घटना पूरे आंदोलन को खत्म कर देती है, इसलिए शांति से चलने वाला आंदोलन ही दूर तक जाता है। बात करें तो ये सारा मामला जो है किसान बिल को लेकर जिस तरीके से 26 जनवरी को सामने आया था, उसको लेकर ये बात हो रही है कि किसान को लोग खालिस्तानी और आतंकवादी बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.